डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। हम आज इस लेसन में डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच के WH वर्ड टाइप क्वेश्चंस को इनडायरेक्ट में बदलने के नियम को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले इम्पोर्टेंट जो बात रहती है वो, जैसा कि हम शुरुआत से असर्टिव सेंटेंस से इनडायरेक्ट स्पीच में बदलने के वाक्यों को सीख रहे हैं। सबसे पहले हमने असर्टिव सेंटेंस को बदला, उसके बाद में इंटरोगेटिव सेंटेंसेस को बदला, और इसके बाद में हम WH वर्ड टाइप क्वेश्चंस को इनडायरेक्ट में बदल रहे हैं। यहां सबसे पहले हम जैसा कि रिपोर्टिंग वर्ब को बदलते हैं, तो इन सेंटेंसेस में मैं भी रिपोर्टिंग वर्ब को आस्क में बदलेंगे। आई सेड टू हो जाएगा आस्क। आई आस्क हर, इसके बाद में कोमा और इन्वर्टेड कोमा, क्वेश्चन मार्क वगैरह ये सब हटा दिया जाएगा, और मुख्य बात जो रहती है वो है कि हम पिछले जो सेंटेंसेस पढ़ रहे थे उनमें हम कंजंक्शन का प्रयोग जो कर रहे थे, दो टाइप के पहले हमने जो सेंटेंस पढ़े और दोनों में अलग अलग टाइप के कंजंक्शन का हमने उपयोग किया था। या हम कंजंक्शन के रूप में उन दोनों से हटकर जो रिपोर्टेड पार्ट में, ये जो रिपोर्टेड पार्ट में जो WH वर्ड यूज हो रहा है, जैसे या हु यूज हो रहा है, तो या हु ही कंजंक्शन के रूप में उपयुक्त होगा। हम बाहर से कोई अन्य कंजंक्शन का प्रयोग नहीं करते हैं। या पहले से जो WH वर्ड यूज हो रहा है रिपोर्टेड पार्ट में उसे ही यूज करते हैं। अब हमारे दिमाग में यह रहता है कि WH वर्ड कौन कौन से या यूज हो सकते हैं, तो या जनरली व्हाट, हु, विच, हुम, हूज, व्हेन, वेयर, व्हाई, हाउ, ये वर्ड WH वर्ड के रूप में क्वेश्चंस में यूज होते हैं। तो यहाँ हु यूज हो रहा है तो हम हु को ही WH वर्ड के रूप में वापस कनेक्टिव के रूप में यूज करेंगे। मीन या हमारा कनेक्टिव WH वर्ड स्वयं काम में लिया जाएगा। अब इसके बाद में जो WH वर्ड कनेक्टिव प्रयुक्त होने के बाद में जो बाकी जो सेंटेंस है उसको असर्टिव में बदल कर लिख देना है। असर्टिव का मतलब WH वर्ड के जस्ट बाद कर्ता आना जरूरी है, सब्जेक्ट आना जरूरी है। अब यहाँ अपना बदला हुआ प्रोनाउन आएगा, क्योंकि आई सेड टू हर, आई सेड टू हर, हु आर यू, इस हर के अकॉर्डिंग ये यू सी में बदल जाएगा। प्रोनाउन किस में बदल जाएगा? सी में बदल जाएगा। तो हम यहां हु के बाद सेंटेंस की शुरुआत किससे करेंगे? सी से। सी से। और हमने देखा कि यहां रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है, रिपोर्टिंग वर्ब यहां पास्ट टेंस पे होने पर यहां अगला जो रिपोर्टेड पार्ट है उसका वीक टेंस बदल जाता है। तो यहां जो सी के साथ है वो वॉज का प्रयोग होगा, वॉज का प्रयोग होगा, और क्वेश्चन मार्क और इन्वर्टेड कोमा हट जाएगी या फुल स्टॉप हो जाएगा। तो जो हमने यहाँ जो सेंटेंस को बदला है वो इस प्रकार से बदला है, आई आस्क हर हु सी वॉज। जो दिया हुआ सेंटेंस है वो हमने सबसे पहले सेड टू को बदल के आस्क में लिख दिया, सेड टू को बदल के आस्क में लिख दिया। इसके बाद में कोमा, इन्वर्टेड कोमा, क्वेश्चन मार्क को हम हटा लेते हैं, और रिपोर्टेड पार्ट में
प्रयुक्त हो रहा डब्ल्यूएच वर्ड स्वयं कंजंक्शन का काम करता है, कनेक्टिव के रूप में प्रयुक्त होता है। तो यहाँ हु को हम यूज कर रहे हैं, और इसके बाद में बाकी प्रोनाउन संबंधी टेंस संबंधी बदलाव करके सेंटेंस को असर्टिव फॉर्म में लिख देते हैं। तो हमने इसको असर्टिव फॉर्म में लिख दिया है, क्योंकि डब्ल्यूएच वर्ड के बाद में हम सीधा सब्जेक्ट से यूज करें, सब्जेक्ट के बाद में वर्ब, ये फॉर्म असर्टिव में होता है, तो असर्टिव के रूप में लिख दिया। इस प्रकार से ये सेंटेंस इनडायरेक्ट स्पीच में बदल गया। इसको एक बार से आप नोट कर दे, और इस टाइप के जो सेंटेंसेस है उन्हें हम आगे डिस्कस कर रहे हैं। नेक्स्ट जो हमारा सेंटेंस है वो है, द टीचर सेड टू हरी, व्हाई डिड यू नॉट डू योर होमवर्क यस्टरडे। इस सेंटेंस को हम इनडायरेक्ट में बदलने के लिए सबसे पहले रिपोर्टिंग वर्ब सेड टू को आस्क में बदलेंगे। सेड टू को आस्क में बदलेंगे। द टीचर आस्क हरी, हमने पिछले सेंटेंस में और सामान्य नियमों में यह पढ़ा कि रिपोर्टेड पार्ट में WH वर्ड होने पर कंजंक्शन के रूप में WH वर्ड स्वयं प्रयुक्त होता है, अन्य किसी बाहरी कनेक्टिव या कंजंक्शन का प्रयोग नहीं करते, और कोमा और इन्वर्टेड कोमा ये यहाँ से हट जाती है, ये क्वेश्चन मार्क और इन्वर्टेड कोमा यहाँ से हट जाती है। अब यहाँ जो WH वर्ड वाई है वो स्वयं यहाँ कंजंक्शन के रूप में प्रयुक्त होगा, हम वाई यूज करें। द टीचर आस्क हरी वाई, वाई के बाद में यहाँ डिड यू नॉट डू योर होमवर्क यस्टरडे, जो टेंस हम पहचान पा रहे हैं वो है सिंपल पास्ट टेंस, सिंपल पास्ट टेंस का वाक्य है। और ये रिपोर्टिंग वर्ब सेड टू कहता है कि यहाँ रिपोर्टेड पार्ट में सिंपल पास्ट पास्ट परफेक्ट में बदल जाता है। तो हमें एक तो जो इस सेंटेंस के मूलभूत टेंस में बदलाव करना है, टेंस में बदलाव करेंगे तो सिंपल पास्ट है वो पास्ट परफेक्ट में बदल जाएगा, और दिए हुए सेंटेंस को असर्टिव फॉर्म में लिखना है, वाई के बाद में सब्जेक्ट आना चाहिए। अब यहां हमारा बदला हुआ प्रोनाउन आएगा, तो यू, ये यू है वो किस में बदल जाएगा, यहाँ उपस्थित हमारा यू ई में बदल जाएगा, क्योंकि ये हरी के लिए यूज हो रहा है। द टीचर सेड टू हरी, हरी को रिप्लेस यू कर रहा है, अतः ये यू ई में बदल जाएगा, तो यह आ गया ई। अब ई के बाद में हम पास्ट परफेक्ट टेंस को फॉलो करेंगे, क्योंकि ये यहाँ जो इस सेंटेंस में सिंपल पास्ट टेंस यूज हो रहा है, और सिंपल पास्ट का पास्ट होता है पास्ट परफेक्ट, तो पास्ट परफेक्ट के रूप में हम अगले सेंटेंस को जो असर्टिव फॉर्म में बदल करके लिखेंगे। तो ई के जस्ट बाद में हेल्पिंग वर्ब पास्ट परफेक्ट की होती है हैड, क्या होती है हैड, हैड नॉट, हमेशा पास्ट परफेक्ट टेंस में मुख्य क्रिया या डू है वो मेन वर्ब है, डू मेन वर्ब है, रूट वर्ब है, इस डू की थर्ड फॉर्म यूज होगी। व्हाई ही हैड नॉट डन, नॉट डन योर किस में बदल जाएगा, हिज में, होमवर्क यस्टरडे किस में बदल जाएगा, द प्रीवियस डे, द प्रीवियस डे में बदल जाएगा। तो यहाँ जो हमारा सेंटेंस है इसमें हमने जो मुख्य बदलाव किए वो
सेट टू को हमने सबसे पहले आस्क में बदला, सेट टू को आस्क में बदला। सेट टू को आस्क में बदलने के बाद में हमने कनेक्टिव के रूप में, कनेक्टिव के रूप में स्वयं डब्ल्यू एच वर्ड वाई का प्रयोग किया। डब्ल्यू एच वर्ड वाई स्वयं कनेक्टिव के रूप में काम में लिया। इसके बाद में इस यू प्रोनाउन को बदल के ही में बदल दिया, क्योंकि हरी के लिए यूज हो रहा है तो ये ही में बदल गया। यहाँ उपस्थित सिंपल पास्ट टेंस पास्ट परफेक्ट में बदल गया था, हेल्पिंग वर्ब ऐड आ गई। डू मुख्य क्रिया की यहाँ थर्ड फॉर्म आ गई और ये योर है वो इज में बदल गया, क्योंकि हरी को रिप्लेस कर रहा है तो यहाँ इज में बदल गया, और यस्टरडे द प्रीवियस डे में बदल गया। इस प्रकार से ये काफी बदलाव करके हमने इस सेंटेंस को इनडायरेक्ट में बदला। सेंटेंस काफी इंपॉर्टेंट है, ऐसे सेंटेंसेस कई बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट जो हमारा सेंटेंस है वो है ही सेड टू मी वेयर डू यू लिव। ही सेड टू मी वेयर डू यू लिव। इस सेंटेंस में हम ऊपरी वाक्य की तरह ही सेड टू को आस्क में बदल देंगे। सेट टू को किस में बदलेंगे? आस्क में। सेट टू को हम आस्क में बदल देंगे। ही आस्क मी। कोमा इन्वर्टेड कोमा को हटा दो, क्वेश्चन मार्क वगैरह को हटा दो, इन्वर्टेड कोमा कंप्लीटली हट जाएगी और हम पढ़ रहे हैं कि डब्ल्यू एच वर्ड स्वयं कनेक्टिव के रूप में प्रयुक्त होता है। डब्ल्यू एच वर्ड वेयर है, वेयर यहाँ आ जाएंगे। यहाँ तक हम आगे वेयर के बाद में जो ये दिया हुआ सेंटेंस का पार्ट है इसको हम असर्टिव में बदल देंगे। अच्छा, ये सेट टू ये भी कह रहा है कि इसका टेंस भी बदल देना है, तो वेयर डू यू लिव सिंपल प्रेजेंट में है और सिंपल प्रेजेंट बदल जाएगा सिंपल पास्ट में। और ही सेड टू मी के अकॉर्डिंग ये यू आई में बदल जाएगा। किसमें बदल जाएगा? आई में बदल जाएगा। और सिंपल पास्ट का असर्टिव सेंटेंस जब हम यहाँ बना रहे हैं तो असर्टिव का यहाँ पॉजिटिव सेंटेंस अर्थात सिंपल पास्ट के अफर्मेटिव में हम लिख रहे हैं, तो यहाँ जो दी हुई जो वर्ब है मैन वर्ब है इसकी सेकंड फॉर्म यूज होगी, तो सेकंड फॉर्म लिव की लिव्ड हो जाएगी एंड फुल स्टॉप। तो ये सेंटेंस हमारा he said to me where do you live वाला सेंटेंस he asked me where I lived में बदल गया है। सेंटेंसेस में रिपोर्टिंग वर्ब से हम सभी प्रकार के वाक्यों में बदलने के प्रक्रम को, बदलने की शुरुआत वहीं से होती है। रिपोर्टिंग वर्ब बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आइडेंटिफाई करें। रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर में है, अगले रिपोर्टेड का टेंस नहीं बदलना। रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है, रिपोर्टेड पार्ट का टेंस बदल देना है। बाकी जो यह हमारा रिपोर्टिंग वर्ब सेट टू के बाद जो ऑब्जेक्ट है ये आस्क में बदल गई, कोमा इन्वर्टेड कोमा हटा दिया, डब्ल्यू एच वर्ड वेयर का यूज हो गया, टेंस में बदलाव हो गया और प्रोनाउन में बदलाव हो गया। इस प्रकार से हम मोटे रूप से यह सामान्य बदलाव करते हुए इन सेंटेंसेस को जो डायरेक्ट स्पीच के सेंटेंसेस है उन्हें इनडायरेक्ट में बदल देते हैं। इन्हें लिख ले, स्क्रीनशॉट ले ले और सेंटेंसेस इसी प्रकार के और सॉल्व करते हैं। Next sentence is he said to me why did you come to me। इस सेंटेंस को बदलने के लिए वही बेसिक रूल्स के अनुसार हम चलेंगे, तो said to को सबसे पहले ask में बदल देंगे। said to को ask में बदल देंगे। He asked me
कोमा इन्वर्टेड कोमा हट जाएगा, क्वेश्चन मार्क इन्वर्टेड कोमा को कंप्लीटली यहां से हटा देंगे। डब्ल्यू एच वर्ड स्वयं कनेक्टिव या कंजंक्शन के रूप में काम कर रहा है, डब्ल्यू एच वर्ड स्वयं लिख दिए। वाक, वाक के बाद में असर्टिव फॉर्म में सेंटेंस को लिखना है। असर्टिव फॉर्म का मतलब है वाक के बाद में या जो भी नाउन या प्रोनाउन जो भी आ रहा है उसे लिखना है। अब ही सेड टू मी, ही सेड टू मी, व्हाई डिड यू, इसलिए ये यू इस मी के अकॉर्डिंग आई में बदल जाएगा। किसे बदल जाएगा? आई में बदल जाएगा। तो हम इसे वाई के जस्ट बाद आई से सेंटेंस की शुरुआत करेंगे। वाई आर या आई के बाद में हमें देखना है कि यहां मूल रूप से कौन सा टेंस यूज हो रहा है। सिंपल पास्ट यूज हो रहा है और सिंपल पास्ट ये सेड टू रिपोर्टिंग वर्ब कह रही है कि ये सिंपल पास्ट है वो पास्ट परफेक्ट में बदल जाएगा। तो हम आई के साथ हेल्पिंग वर्ब हेड को यूज करेंगे और ये जो यहाँ कम जो वर्ब की फॉर्म है ये फर्स्ट फॉर्म है और इसकी थर्ड फॉर्म हमें यूज करनी है। कम कैम कम, हालांकि थर्ड फॉर्म में ही लिखने में फर्स्ट फॉर्म के जैसे ही लिखी जाती है और उसका प्रोनाउंसिएशन उच्चारण भी वैसा ही होता है, बट ये फर्स्ट फॉर्म है और ये हेड के साथ जो वर्ब की फॉर्म आ रही है ये थर्ड फॉर्म है, क्योंकि परफेक्ट टेंस में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म ही यूज होती है। और इसके बाद में टू मी में मी है वो हिम में बदल जाएगा। आई हैड कम टू हिम एंड फुल स्टॉप। He said to me, why did you come to me में इस सेंटेंस को जब हम बदलेंगे तो ये सेंटेंस he asked me why I had come to him में बदल जाएगा। अब हम एक बार से जो ये पढ़े हुए सारे सेंटेंस इनके सामान्य नियमों को हल्के से रिकॉल कर लेते हैं। सबसे पहले रिपोर्टिंग वर्ब said to, रिपोर्टिंग वर्ब में बदला, रिपोर्टिंग वर्ब में बदलाव सेड टू इसमें बदल जाएगी, आस्क में सेड टू आस्क में बदल जाएगी। कनेक्टिव, कनेक्टिव के रूप में या कंजक्शन के रूप में, कंजक्शन को या कनेक्टिव को आप डब्ल्यू एच वर्ड स्वयं, डब्ल्यू एच वर्ड स्वयं काम करता है। नंबर तीन पे हम रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है तो टेंस संबंधी बदलाव करते हैं, प्रोनाउन संबंधी बदलाव करते हैं और वर्ड है वो अपने नियरनेस में बदल जाते हैं। अगर यस्टरडे जैसे ये वर्ड जो हम जैसा कि पढ़ रहे हैं तो ये अपने नियर मीनिंग वाले वर्ड में बदल दिए जाते हैं। तो ये सामान्य बदलाव करके हमें सेंटेंस को लिखना होता है। टेंस की सीक्वेंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसे अच्छी तरीके से याद रखें। इस प्रकार से आज के इस लेशन में हमने डब्ल्यू एच वर्ड टाइप के क्वेश्चंस को इंडार्ट में बदलने संबंधित नियमों को पढ़ा। अगले वीडियोज में हम अगले टाइप के सेंटेंसेस को पढ़ेंगे। आप बराबर से इनकी जो एक्सरसाइज दे रखी है उसे सॉल्व करते रहे और जो डाट एंड डाट के हमारे सारे वीडियोज हैं उन्हें बार बार से इन्हें देखें ताकि कॉन्सेप्ट अच्छे से आपको समझ में आ जाए। थैंक यू।